श्याम सुंदर, श्याम सुंदर अभी तो यही हमारे पास है, कहाँ चले गए श्याम सुंदर? आप हमको छोड़ के कहाँ गए श्याम सुंदर? अत्यंतम चक्राणाम करणीयम् बिन्दुम् हरि श्याम सुंदर हमको छोड़ के चले गए। चलो गाँव से पूछेंगे आगे। अरे कौन से पूछे, श्याम सुंदर कहाँ चले गए? चलो सखियो को जड़ को चैतन्य कछु न जानत बिरही जन। सखी कौन बतावे गो कि श्याम सुंदर कहाँ गए? हरण करे है फिर से ने हमारे मान को क्यों नहीं हरण कियो कि जब समय श्याम सुंदर सो अवमान भयो। अरे ये अवमान ने तो हमको श्याम सुंदर सो बिछोड़ो करा दियो। कहां गए, क्यों नहीं हमारो ये अवमान नष्ट हो गयो? अरे सखी ये नहीं बतावे कि आगे चलो तो श्याम सुंदर बैठे हैं अपनी बंसी को बजा में। अरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए हमें तो कोई तो बता दे। सखी कोई नहीं बतावे गो सखियो, ऐसो सुनो है
कि यहाँ श्याम सुंदर की लीला हुए वह श्याम सुंदर अवस्था में तो सखियो ऐसो ही कर लियो। श्याम सुंदर ने कौन सी लीला करी सब प्रथम सखी? सर्वप्रथम लीला उन्हें पूतना को मारो हो। पूतना को मारो हो हाँ। तो सखियो चलो हम यही लीला करेंगे। चलो सखियो चलो 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 यशोदा को घर हाँ। काय को बता दे मैं बाकी लाल आए देख दे आयु मैं बाकी फेल लगे फेल लगे हमने तो ना देखी तू आज तक तेने ना देखी है ना पर मैं बात जानू तू मेरी बहन है यशोदा। अच्छा ठीक हाँ। है तो हम मैया बुला ले हाँ। ओ मैया छोटी बहन आई है मेरी तो कोई छोटी बहन है नहीं। अरे मैया मैं तो अपनी मैया की अकेली हूँ पर मेरी छोटी बहन कहाँ से आई है? आई है तो मैं चल के वहाँ स्वागत करूँ। पूछ तो सही नहीं जाएगी कहाँ है? हाँ बहन मैं तेरे पामल लग प्रसन्न रहे। अरे कहाँ ते आई है कौन है तू? मैं छोटी बहन हूँ आपकी। मेरी छोटी बहन है माई नहीं जाई मेरी गोदी न खिलाई तू मेरी बहन कहाँ ते आई? मेरी मैया ने तू जाई नहीं मैंने तू कबू अपनी गोदी में खिलाई ना आए तू मेरी छोटी बहन कहाँ ते आए गई? ओ बहन तू मामा की मैं फूफी जाके लगे दो बहन। अच्छा मामा की मैं फूफी जाके दो बहन। अरे तू
तू मामा की है। अच्छा, यही तो घरो बहुत भारी है रहे हो तू। तेरा बोलना नहीं कर रहे हो, कैसी कहाँ है गए हो? ना मैं तेरा सोच करे ना सोच रात रोती रही तो घरो मेरा ऐसे कर रहा पड़ेगा। अरे मैया, हाँ तेरी बहन कितनी दूर से आई है? अरे क्यों ना पूछूंगी, मेरी बहन आई है चल के, भूखी प्यासी होगी, मथुरा की आ रही है, भूख लगी होगी, थक गई होगी, बहन विश्राम कर ले और तुझको भूख लगी होगी, भोजन कर ले, भोजन बना के लाऊं। लाला खिलाएगी? हाँ तो ठीक है, मैं तुमको भोजन बना लाऊं। लाला तुम अपने अपने काम ने करो, गैया ने ले जाओ चराए को, ये मेरी बहन है। और ये अपरस में करेगी कुश्ती मारगी है? अच्छा तो कैसे अपरस में करेगी तू मोकू बता दे। यमुना जी गईयो, हम गई 108 गोता लगाइयो। 108 गोता लगा लिए यमुना जी पे, चुनरी चढ़ाइयो और 108 बार कलश को माजियो। अच्छा माज लियो, माज के भर के सिर पे धर के लियो, लाई नीचे देख के चलियो। नीचे देख के चलू? हां नीचे का देख के चलू, ये तो बता दे। पावन के कोई चेटी नहीं मर जाए। अरे कोई चेटी मर जाए तो फिर जइयो। अरे फिर 108 को का लियो बड़ो कर, फिर 108 बार कलश को माजियो और फिर आइयो बड़ो कर। ठीक है, तो जल ले के आवेगी बाकी रसोई बनेगी जब मैं पाऊं। तो रसोई में कहां पावेगी तेरी 600 बना ली। तेरे घरों करो पर गयो है, हमने मोहन भोग बना ली। तो मैं तो हलवा बना दूं, मूंग की दाल को हलवा खावेगी या बादाम है? बादाम 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 को हलवा खावे। अच्छा मैं हलवा और का खावेगी और बता। रबड़ी 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 खावेगी और बता, तू जो बतावेगी मैं वही बना लूंगी। तो को रसगुल्ला बना ले। अच्छा रसगुल्ला बना ले, बड़ी 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 पकवान खावे। अच्छा तू माँ बनवाती होगी? हाँ बने। तू तेरे यहाँ बने, तू ना बनावे? हाँ तू ना बनावे? मैं ना बनाऊँ। कौन बनावे? मेरो घर वाला बनावे। तेरो घर तेरो हलवा ये हलवा। अरे बहन तू अपने घर वाले पे भोजन बनवावे? ना मेरो घर वाला हलवा ये हलवा। हाँ। तेरो घर वालों ठीक है, तो मेरे छोटा सा कन्हैया पालने में खेल रहे हो, अब रोमन मती हो, झुलामती रही हो, कन्हैया झूल रहे हो ना मेरे लाला। कन्हैया झूले पर नाम नीरे झूठा मेरे लाला झूले। मुक्ति दे दूं? लाला ऑब्जेक्ट लग गई है, बड़बड़ा रहे हो, सो मत रहे। वही रात जी समझ पड़ना आगे ढिंग जाए। मुख रपटियो इस रपटियो संत वही दियो कमल मुख माए पैसंग प्राण खिचे जब वागे हुए गए अंग सिटिल सब तागे। अरे छोटी बहन बन के आई जी तो राक्षस।
साला मैया तू कौन कौन है घर में घुसा ले। अरे देख तेरी बहन बन के आई और ये कौन है कितनी बड़ी राक्षसनी है। अरे बेटा मौका बताई ले जाओ ये तो मेरी बहन बन के आई। अरे भैया अभी आपको क्या करे क्या है तो बेटा काट काट के जमुना जी में फेंक के आओ। हाँ बेटा के नहीं तू बहुत जोर से डर लगो होगा बेटा फिर कहूँ लगी तो ना है बेटा। आजा मैं तो माखन खवाई साधु ब्राह्मण की कृपा से तेरा लाला बच गया है। ब्राह्मण को भोजन करियो मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी खूब मैं दान दूंगी तुम्हारी कृपाई न जाने कहाँ थी चली आई मेरी बहन बन के आई मौका पतोई की ये राक्षसी है बेटा। अरे आज तो रखो घर में बड़ी कृपा भई है कृपा भई भाई सो मेरे लाला बच गयो न जाने कहा हो तो पूछ सब कुछ करूंगी। हाँ मैं अपने लाला को भूख लगी है मैं माखन निकालूंगी अपने लाला की खेल में जा रहे हो बेटा हैं जा खेल ब्रह्मांड घाट हम ना जाएंगे हमने देखे होता है पर जाएंगे ना यौ? अरे यो ना जाएंगे वहाँ की चीकनी माटी है पाँव रपट गो तो जमुना जी मिल जाएंगे बाढ़ में से आ रही ठीक कह रहो है पता न पड़ेगी छोरा कौन सी बीमारी बीमारी में मरे हो। चलो भैया ना हम ना जाएंगे हम तो जाएंगे कन्हैया के तुम सब जाएंगे हम जाएंगे जब तुम सब जा रहे हो तो फिर कन्हैया तो हमें यहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे। ये बताओ तुम सब रे जा रहे हो तो यार हमें मना लो ना हम ना का हुए मनाएंगे। अरे नेक मना लो हमें नेक भी मन जाएंगे मना लो भाई मना लो अच्छा तुम अपने आप मन जाएंगे चलो भैया क्या खेलोगे ब्रह्मांड घाट पे तो आ गए हम। भैया बता दो भैया आज तो गैया गैया खेलेंगे गैया गैया। हाँ ठीक है भैया बन जाओ गैया हम तो बनेंगे ग्वारिया। हाँ ले ले जाएंगे दो गैया। अरे भैया एक की एक ले लीजो मैं कहा खेल ले एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। हाँ भैया गैया भैया कैसी गैया हमें वो जो छोटी सी चलकनी सी ये बता ग्वारिया तू है कहाँ है क्यों बता ग्वारिया कौन सा हो तुम में थे मैयों का तो ढूंढो वो तो बाबा को अकेलो लाला है। अरे हम तो तू मारेंगे अरे भैया
ये देखियो घाय के नीचे बैठ के माटी माटी खा रहा हो, कितनी माटी खाई होगी जाने और कितनी देर से बैठो है। ओ भैया यहाँ यहाँ कन्हैया ये बता तेने माटी खाई पूरे वो छोड़ा लकुआ तो ना मारो वही कर रहा है ना लकुआ तो ना मारो। अरे मैं कह तो रहे हूँ माटी खाई माटी खाई है एक भैया के पास छोड़े में तो माटी भर रही है ऊ तो करे कोई भैया के पास ले चलो पकड़ चलो 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 ले चलो यार। अरे बात का है गई तू छोरा फूको मारे कछु खावे को ना दे क्यों मैं यार माटी खाई है माटी कोई ना रेंदू मैं तो खूब माखन खवाऊ। अरे माखन खवाती तो ही माटी ना खाता कहा कहीं माटी खाई के माटी खाई है भैया थोड़ी बात ना खाई इतनी खाई है इतनी क्यों रे कन्हैया तू यहाँ तक खेल भी गयो कि माटी खाए भी गयो और तू शिकायत लेके आयो तेरे संखे ग्वाल वाल तू सु का कह रहे और मोती आए की कह रहे कि तेरे माटी खाई है गैया गैया खेल खेलो हम तो बना दिए गैया आप उसको ढाई के नीचे और खूब माटी खेती है। अरे हमने नाय करी पर या के समझ में एक बात से माटी खाई सखा तेरे कह रहे हैं कि तू माटी खा रहे हो यमुना जी पे तू माटी खाए के आयो है मैं तुमको कितनो माखन खवाऊं मैं तुमको भूखो नहीं रखूं फिर वो तेने वहाँ जाए के माटी खाई क्यों खाई है सब ग्वाल वाल झूठ बोल रहे हैं हम सब झूठ बोल रहे हैं मैया ये झूठ बोल रहे हैं सब हम झूठ बोले हैं कि ये सच बोल रहे हैं झूठ तो है नवार कृष्ण तेरी बात कौन माने साचो बलराम तेरो झूठ ना है भूल जान मोड़ो दिखाए तू सी क्यों है माटी खान कबू सांची नहीं मानूंगी क्यों तू हर समय झूठ बोले है और मेरा जो बलराम है ना मेरा बलराम कबू झूठ बोल के न जाने और वो सत्य बात कहे है आए के जो कछु बात हुए है बन में वह गैया चराए में संग जाए है तो एक एक बात आए के मोकू बतावे है तू नहीं बतावे क्योंकि तू झूठ बोले है तेने माटी खाई तेने माटी ना खाई तो तू अपना मोड़ो खोल के दिखा दो छोटा सा मुखार विंद कृष्ण होने दियो कार दीपार खंड जामे दीखे हैं सब पार सातिन समुद्र दीखे काजल दीखे दीखे दार मुख में विश्व दिखाई नी भैया नाना है कैसे भैया सब पे ऊपर लो है का हैं तुम कैसे गिर रहे हो ये बताओ।
ब्रज रानी ने रख दिए। अरे बेटा मैं ये कहां देख रही हूँ, अरे मेरे लाला के मोहड़े में कैसी कैसी अलाए बलाए बैठी हैं, गंगा जमुना सरस्वती पूरी त्रिवेणी आके मोहड़े में, समुद्र आके मोहड़े में, बड़े बड़े पहाड़ कैलाश पर्वत चंदा सूरज ब्रह्मा जी शंकर जी पूरा ब्रह्मांड मोकू आके मुख में दिख रहे हो। अरे बेटा मैया आके मोह मत बंद करियो। क्यों? अरे मैया की डांट के बाप होगा तेरा तो कहा लाला ना है तो चोरी कन्हैया तू मेरा लाला है। हाँ मैया मैं तेरा ही लाला हूँ। मेरा लाला है जी, मेरा लाला है भैया। वो आए दुर्गाचारी जी जो कह रहे अवनाशी है। अवनाशी है? अच्छा ये अवनाशी हम सत्यानाशी है ऐसे ही समझ ले। अरे कन्हैया मैं तो को कितनो माखन दऊ हूँ बेटा, परंतु माटी मत खायो करे है ना। अब तो को भूख लगी होगी तो मैं तो को माखन निकाल लू तेरे लिए है। भूख लगी है और आगे चले। मैं दद चलाए के तो को माखन निकाल के सद माखन पूछे भाई ने पटोदा थी कौन कहो श्री कदे महाये की रतवासी। अरे सखियो हमने तो श्याम सुंदर की लीला करने पर श्याम सुंदर तो अब नहीं आए, अब हम कहा करें। चलो बहन प्राण भीषण कहा तरह चलो और आगे करती करती लता कुंती पूछती जूनी पर कहूँ ना पाई। समस्त निदान को जब तक भरी महाराज के दर्शन की पहले की समस्त लीला को अनुकरण किया गोपी ने वही का स्वरूप राशिला आज भी स्थित है। श्री राधा माधव भगवान की श्री राधा आज मेरे हृदय में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई है। आप आज्ञा करो तो बातों में प्रकट करो। हाँ अवश्य प्रकट करो, बताओ है कहाँ नवीन उत्कंठा है। उत्कंठा यही है आज मैं आपकी आप बेटी को गूंथना चाहूँ। श्याम सुंदर आप ये कहा कह रहे हो, ये तो स्त्री को कार्य है, या आप कैसे कर सको। श्यामा जी आप चिंता मत करो, स्त्री सो अधिक सुंदर में आपकी बेटी को गूंथना आप आज्ञा तो करो। जैसे आप राजा
किंतु अब आप मुझे एक बात तो बताओ, धन की आवश्यकता नहीं है आपको, कृपा मई हो, एक ही बात बताओ अवश्य। मेरो श्यामा प्यारी, मेरो मुखनी सुनने में कोई बोला थोड़ी माने, आप तो बस कह दो वह श्याम सुंदर प्रशंसा ही ऐसी है कि आपको आप सुन के अति प्रसन्न है। अरे आप चिंता मत करो, आप कहो तो सही, मेरी शरण अति उत्सुक है रही है, आप कृपा करके कहो। अवश्य बताऊं श्याम। हाँ। मेरो मुख ऐसो जैसे जैसे चंदा जारी, बहुत सुंदर आज आपने उपमा दी है, आपको मुख चंदा क्यों जारी और आपको मुख। चलो ये तो बात ठीक है, मेरा तो बताओ श्याम सुंदर, आप भरो मान जाओगे। अरे श्यामा जी, आप तो ऐसी क्यों करिए, आप कहो तो सही, मैं अपनी प्रशंसा सुनने को अब तो व्याकुल है। अब मोरी यो लग रहा है, आप मेरे लिए कौन सी उपमा ढूंढ के लाओ, कहो कहो। चलो तो बताओ श्याम सुंदर, आपको बताई दी बताए दो। हाँ श्याम सुंदर, जो मेरा मुख है वह तो चंदा की उजियारी के समान है, और आपको मुख घनघोरकारी अमावस्या की रात्रि के समान है। यदि सीधी भाषा में हम समझे तो आपको मुख ही चंद्रमा, चंद्रमा हमारा मुख काली अंधेरी रात। रात एक बात और सुन, क्या कहूँ, वो आपको मुख जो चंद्रमा है ना, वो या रात्रि में प्रकाश कर पावे, दिन में बेचारा वो कुछ ना कर पावे। अरे आप तो बुरो मान गए श्याम सुंदर, अरे आप विलंब मत करो, मान भरी यस कहने लगी, मोपे चलो न जात जहां तुम चरण चहत भी। श्याम सुंदर, आप मुझे जहां चलने की कहो हो, हम मोपे नहीं चलो जाए हैं, नहीं चले जाए, नहीं चलो जाए हैं। वैसे तो श्यामा जी मेरी देही है, मैं ही
श्यामाजी की देही, किंतु जहाँ घर और अभिमान को वास है वहाँ मेरा वास नहीं। और यहाँ समय श्री राधे के हृदय में अभिमान को अंकुर उत्पन्न है गया है और यह अंकुर को नष्ट करने के लिए मुझको इनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। श्री राधे, हाँ श्याम सुंदर, आप ऐसे पैदल नहीं चल सकते हो, तो ठीक है मैं आपको अपने कंधा पे चढ़ा लूँ, तब तो आप चढ़ोगे ना। हाँ ठीक है, आप